हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एनसीईआरटी एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 6 हमें दे रखा है, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब। किसी शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे, 10 रुपये का एक खरीदा। हाउएवर 5 बल्ब वर फ्यूज, जिसमें से 5 बल्ब उसके ख़राब निकल के, बेकार निकल के फ्यूज़ हो गए। एंड हैड ही थ्रोन अवे, उसने उसको फेंक दिया। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 रुपीज ईच, और बाकी बच्चों को उसने 12 रुपये में एक का बेचा। फाइंड गेन और लॉस, इस पूरी ट्रांजेक्शन में एक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर है, टोटल बल्ब कितने थे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब परचेज्ड, ठीक है, उसने खरीदे कितने, 200 बल्ब खरीदे। ईच बल्ब कॉस्ट, एक बल्ब की कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये थी, तो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यानी उसने तो ख़रीदा है, अब खरीदने में उसको तो 200 के पे करने पड़ेंगे, तो यानी कि उसने 2000 रुपये पे कर दिए। करने के बाद क्या निकला कि उसमें से 5 बल्ब डिफेक्टिव निकल गए, जिसको उसने फेंक दिया। तो अब यहाँ पर जो सही बल्ब हैं जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं, वो कितने होंगे। यहाँ लिखूँगा नंबर, पहले लिख लेते हैं 5 बल्ब वर फ्यूज्ड, 5 बल्ब खराब हो गए, अब बाकी के कितने बचे, नंबर ऑफ रिमेनिंग बल्ब, बचे हुए बल्ब 200 में से माइनस करेंगे 5 पे, यानी 195 बच गए। अब ईच बल्ब सोल्ड एट द रेट ₹12, एक बल्ब को उसने 12 रुपये में बेचा, तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा। टोटल सेलिंग प्राइस यानी 195 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, 2340, यानी ख़रीदा था 2000 में, बेचा कितने में, 2340 में। तो हमें इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी हमने कम में ख़रीदा है और ज़्यादा में बेचा है। जब भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, समझ जाना प्रॉफिट ही होगा। 2340 में से माइनस करेंगे 2000 को, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 340 का हुआ। अब यही प्रॉफिट अगर हमें परसेंटेज में बताना है, प्रॉफिट इन परसेंटेज, तो तरीका क्या होगा, जो प्रॉफिट हुआ है वो आएगा ऊपर, नीचे हमेशा ओरिजिनल प्राइस आता है जो शुरुआत में था। ओरिजिनल प्राइस हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 2000 दे रखा है हमें, ठीक है, ये इसका क्या है ओरिजिनल प्राइस, ये इसके अपॉन में आएगा, और इनटू में 100, जब भी 100 लगेगा तभी परसेंटेज आएगा, क्लियर। अब यहाँ देखो, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 34 में 2 का डिवाइड देंगे तो 17 आ जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 17% होगा इस पूरी ट्रांजेक्शन पे। इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 बोला, मेनू बॉट 2 फैन, मेनू ने 2 पंखे खरीदे, 1200 रुपये का एक है, यानी कि दूसरा भी 1200 का, पहले वाला भी 1200 का है। दोनों को उसने बेचा, एक को बेचा 5% लॉस पे, दूसरे को बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो बताओ उनका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो भी हमें बताना है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला हमारा फ़ैन है, यहाँ पहला लेते हैं, दूसरा लेते हैं। फ़ैन कॉस्ट प्राइस, पहले फ़ैन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200 है, ठीक है, अब सॉरी 1200 रुपये है, परसेंटेज लग गया गलती से, 1200 रुपये। अब इसको इसने बेचा है कितने पे, सोल्ड एट 5% लॉस, 5% लॉस पे इसको बेच दिया है, तो इसका पहले निकालते हैं, लॉस निकाल लेते कितने का हुआ है। देखो परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आएगा, इनटू में ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कितना है, 1200 रुपये, 200 कट गए, कितने का, 60 रुपये का लॉस हुआ है। अब लॉस कब होता है, जब हमने उसका सेलिंग प्राइस कम करा हो, ज़्यादा में ख़रीदा हो, कम में बेचा हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस होगा उसमें से माइनस कर देंगे लॉस को। 1200 में ख़रीदा था, 60 रुपये का नुकसान हुआ, यानी कि मैंने उसको 1140 रुपये में बेच दिया, ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, क्लियर। सेकंड फैन हमारा, यहाँ लिखा फैन कॉस्ट प्राइस कितने का, ये भी 1200 रुपये का है, बट इसको हमने किस पे बेचा है, सोल्ड एट
10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ इस ट्रांजेक्शन में? देखो परसेंटेज हटेगा नीचे, 100 इंटू में ओरिजिनल प्राइस कितना है 1200, 20 से 20 कट गए, कितना आया 120 रुपये, ये हमें प्रॉफिट हुआ। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है। देखो प्रॉफिट तब होता है जब कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं, तो जब प्रॉफिट होगा आपको तब आपको कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर देना है। 1200 में ख़रीदा है, मार्जिन हुआ एक सौ बीस का, तो यानी मैंने उसको 1320 रुपये में बेचा है। कम में ख़रीदा ज़्यादा में बेचा तब मुनाफा हुआ 120 का, ज़्यादा में ख़रीदा कम में बेचा तो लॉस हुआ 60 रुपये का। पूरी ट्रांजेक्शन पे ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 120 रुपये कमाए, 60 रुपये गवा दिए, मतलब अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं। तो यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो 120 रुपये हमने कमाए, 60 रुपये गवा दिए, तो अभी भी हम 60 रुपये मुनाफे के अंदर हैं, ठीक। और इसी के साथ हमारा एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।